नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर एस के अग्रवाल आप सभी का अपने चैनल ज्योतिष सुख समृद्धि उपाय में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष अध्ययन कक्ष की वास्तु का पार्ट सेकंड लेकर आया हूं। पर उससे पहले यदि आपने अध्ययन कक्ष की वास्तु का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का लिंक दिया है, आप उसे क्लिक करके वीडियो जरूर देखें ताकि आपको यह टॉपिक पूरी तरह समझ आ सके। वे आप इसे जानकर अपनाकर अपना व अपने से जुड़े लोगों का जीवन अच्छा कर सके। तो जानते हैं कि आप अपने अध्ययन कक्ष में ही सोते हैं तो आपको किस दिशा में सोना चाहिए। आप ध्यान दें व दिशाओं को बहुत ध्यान से सुने व समझें। यदि आपको दिशा समझने में प्रॉब्लम रहे तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, मैं निश्चित ही आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। यदि हमारे बिस्तर का सिराना रखने की बात आए तो हमें अपने बिस्तर का सिराना पूर्व व दक्षिण दिशा में रखना चाहिए। यदि आप बिस्तर का सिराना पूर्व दिशा में रखते हैं तो जब आप सोएं आपका मुख पूर्व दिशा में व पैर पश्चिम दिशा में हो। यदि आप अपना सिराना दक्षिण दिशा में रखें तो जब आप सोएं तो आपका सिर दक्षिण दिशा में व पैर उत्तर दिशा में हो। ध्यान रहे, कभी भी आपका सिर उत्तर दिशा में व पैर दक्षिण दिशा में नहीं होने चाहिए, अन्यथा आप मानसिक चिंताओं से घिरे रहेंगे व स्वस्थ भी नहीं रह पाएंगे। अब बात करते हैं कि जो बच्चे हॉस्टल में या पीजी में रहते हैं तो खाना यदि अपने कमरे में बनाते हैं तो किचन आपकी आग्नेय कोण में हो। आग्नेय कोण मतलब दक्षिण पूर्व दिशा। आप खाना सदैव आग्नेय कोण में बनाएं। यदि खाना बाहर से लाते हैं तो भी उसे आग्नेय कोण में रखें। यदि खाना स्वयं बनाते हैं या बनवाते हैं तो खाना बनाते हुए खाना बनाने वाले व्यक्ति का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए। साथ ही आप जब खाना खाएं तो आपका मुख पूर्व या उत्तर दिशा में होना चाहिए ताकि खाना पूर्ण रूप से पचे व आपका शरीर स्वस्थ रहे। कभी भी खाना खाते समय आपका मुख दक्षिण दिशा में ना हो। ज्यादातर देखा गया है कि स्टूडेंट्स का जीवन बहुत व्यस्त होता है। आज कंपटीशन के दौर में व्यायाम कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो एक नियम बांध लेते हैं कि रात में सोने से 2 घंटे पहले खाना खा लें। चलिए अब बात करते हैं किताबों की रैक की। तो हमारी किताबों की रैक किस दिशा में होनी चाहिए? बहुत जरूरी है क्योंकि किताबें ही एक स्टूडेंट की सच्ची मित्र हैं, है ना। तो हमारी किताबों की रैक नेतृत्व कोण, हमारी किताबों की रैक जो है वो कौन से कोण में होनी चाहिए? नेतृत्व कोण के अंतर्गत होनी चाहिए, यानी किताबों का मुख ईशान कोण दिशा में हो। ध्यान रखें, किताबें कभी खुली रैक में ना रखें अन्यथा नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। यदि रैक में पल्ले या दरवाजे नहीं हैं तो पर्दा डाल दें। चलिए बात आती है कंप्यूटर लैपटॉप कहाँ रखा जाए। तो जब हम कंप्यूटर मोबाइल या लैपटॉप वर्क करते हैं तो हमें इसको दक्षिण दिशा में या आग्नेय कोण दक्षिण पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इसके बाद बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। तो बहुत जरूरी है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स व डॉक्यूमेंट्स फाइल सदैव ईशान कोण में रखें। ऐसा करने से आपके द्वारा अर्जित ज्ञान व उपलब्धियां व्यर्थ नहीं जाएंगी, सफलता समय रहते मिल जाएगी। अगली महत्वपूर्ण बात आती है शू रैक। तो शू रैक कहाँ रखनी चाहिए? आपको अपनी शू रैक पश्चिम या नेतृत्व कोण में रखनी चाहिए। यदि आपके स्टडी रूम का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में है तो कभी भी एंट्रेंस पर शू रैक ना रखें, अन्यथा प्रभु कृपा आप पर कभी नहीं बन पाएगी। चलिए एक चीज और बहुत जरूरी, जूते और चप्पल कभी भी अपने बिस्तर के पास ना उतारें। ऐसा करने पर राहु का वास होता है, वह भाग्यहीनता आती है। अगली बड़ी महत्वपूर्ण बात,
हॉस्टल स्टूडेंट्स जो अपने कमरे में ही कपड़े रखते हैं, तो आपकी क्लोथ रैक या कपड़े रखने का स्थान कहाँ होना चाहिए? जी, यह स्थान नेतृत्व कोण में ही होना चाहिए, यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में। चलिए, बात आती है जो पैसा घर से आता है आपकी पढ़ाई के लिए, उस पैसे को कहाँ रखना चाहिए? वह ईशान कोण में रखना चाहिए। साथ ही आप ईशान कोण में माँ सरस्वती व गणेश जी की भी प्रतिमा स्थापित करें। सकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है। स्टडी रूम में वाइट वॉश हल्के रंगों की हो, लाइट कलर्स हो, पर्दे डार्क कलर्स के हों। चलिए, और जो बच्चा पढ़ रहा है, एक बात और है, या जो बच्चा पढ़ रहा है उसका लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश व भाग्येश में जो प्रबल हो उस ग्रह के अनुकूल रंग करवाएं। तो या तो लाइट रंग कराना है, या फिर लग्नेश, द्वितीयेश, पंचमेश व भाग्येश में जो प्रबल है उस ग्रह के अनुकूल रंग करवाना है। स्टडी रूम कभी भी टॉयलेट के सामने ना हो। स्टडी रूम का मुख पूर्व दिशा, उत्तर दिशा या ईशान कोण में होना चाहिए। देखिए, इन बातों को अपनाना बहुत जरूरी है, नहीं अपनाते तो बहुत दिक्कतें आती हैं। मैंने अक्सर एक वाक्य सुना है कि पिताजी ने कमाया तो बहुत सारी कमाई हमारी पढ़ाई पर लगा दी और पढ़ाई खराब चली गई। तो ऐसा ना हो, आप बताई हुई बातों का पालन करें। अगली वीडियो में मैं बात करूंगा कि ऐसा क्या उपाय करें ताकि पढ़ाई में मन लगे, या हम अक्सर सुनते हैं नज़र लग गई। नज़र सच में बुरी होती है, तो नज़र ना लगे, आप कामयाब हो सकें ऐसा क्या उपाय करें। साथ ही मैं यह उपाय बताऊंगा कि यदि कमरे में वास्तु दोष है तो कैसे दूर करें, क्योंकि व्यक्ति जब किराए पर रहकर बाहर पढ़ता है तो वास्तु नियमों का पूरी तरह पालन नहीं कर पाता। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई होगी। आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करके ऑल पर क्लिक करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।